हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर है 11 और 12th क्लास का बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो बिजनेस स्टडीज में ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और इसकी तीन वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं मैं। पहली वीडियो में मैंने बताया कि मार्केटिंग क्या होती है, उसकी फिलॉसफीज क्या होती हैं और मार्केटिंग के फंक्शन क्या हैं। सेकंड में हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स, पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा हमने, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और फंक्शन ऑफ जो है पैकेजिंग और लेबलिंग के फंक्शन पढ़ा हमने, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ये पढ़ा हमने, 4P पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा क्लास प्राइस मिक्स, यानी कि जो दूसरा पी है प्राइस, उसका पढ़ा हमने कि प्राइस को डिसाइड करने से पहले किन किन चीजों को आपने प्रिकॉशन रखना है, किन किन चीजों को दिमाग में रखना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आखिरी वीडियो होगी और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूंगा क्लास आज ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, और इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मेरी तरफ से एंड हो जाएगा। फिर जैसा कि मैंने कहा था, तीन अलग अलग स्टेप में हम लोग करेंगे। पहला स्टेप रिविजन, दूसरा स्टेप एमसीक्यू, तीसरा स्टेप है केस स्टडीज, और फिर मल्टीपल रिवीजन करेंगे, हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन जब भी हो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, हमारा काम प्रिपरेशन करना है बस। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करते हो और फिर एग्जामिनेशन एक बार को 0.01% अगर नहीं होता है तो आपकी कम से कम प्रिपरेशन तो है ना, वो कोई घाटा तो नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में इन चीजों को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो और 1% भी पेपर अगर आ गया, मान लो कभी भी पेपर अगर हो गया 1% भी, या कुछ भी ऐसा तरीका निकालें जिससे आपको फ्री में मार्क्स ना मिले, आपकी नॉलेज को देख के मार्क्स मिले, तो ध्यान रखना क्या होगा फिर आपका। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लेस मिक्स, और पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, काफी चीजें हैं इसके अंदर तो आपको सारा समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात यह है, सामान यहां बनता है लेकिन सेल पता नहीं कहां कहां पे होता है। तो यहां तक डायरेक्टली सामान पहुंचेगा कैसे? डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, तो बीच में रखने पड़ते हैं कुछ मिडलमैन, कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन मिडलमैन रखने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्लास किस तरीके से सामान फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोडक्शन मैटर नहीं करता क्लास, डिलीवरी मैटर करता है, समझ रहे हो बात को? दैट इज कॉल्ड क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि गुड्स का फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर गन्ने की खेती यूपी में होती है सुगर कैन, तो उससे बनता है चीनी, और चीनी पूरी इंडिया में सप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं क्लास हमारे पास कोई ना कोई सप्लाई का माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई मोड होना चाहिए जो क्लास सामान को दूर दराज तक पहुंचाया जा सके। नॉट ओनली मोड, बट इट रेड्स टू चीपेस्ट मोड, कि आपका जो मोड होना चाहिए वो इतना सस्ता होना चाहिए, इतना चीप होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना लगे कि चीनी 20 रुपए किलो मिल रहा है, यहां मिल रहा है 200 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि 180 रुपए लग गया ट्रांसपोर्टेशन में। ध्यान रखना पार्ले जी का बिस्किट आता है पूरी इंडिया में सेल होता है, और एक बात ध्यान रखना उसका प्राइस जो है वो पूरी इंडिया के लिए वो क्या रहता है, कॉमन रहता है, सेम रहता है। तो कुछ ऐसा आपने करना है कि आप कहीं ये ना बोल दो कि सामान इतनी दूर से आ रहा है इसलिए महंगा है। तो उसको मेंटेन करना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इट रेफर्स टू प्लेस मिक्स, रेफर्स टू, मैंने आपको सारा समझाया था, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो ये बीच की जो लाइन है कॉमन है, बस ऊपर यहाँ पे चेंज हो जाता है, चाहे प्रोडक्ट मिक्स हो, चाहे प्लेस मिक्स हो, चाहे प्रमोशन मिक्स। क्यों? एक नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इससे, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। The decision is related to channel of distribution. Sir, channel of distribution क्या होता है? किसके through distribute करोगे product को? बीच में कितने middleman होंगे? कितने intermediaries होंगे बीच में जिनके through आप goods को distribute करोगे? Channel of distribution refers to the people or middleman who help in distribution of goods. तो goods को distribute करने में अगर ये agent है, wholesaler है, retailer है, इन तीनों को बोलते हैं class channel of distribution। यही तीन लोग क्या करते हैं? सामान को manufacturer से consumer तक पहुंचाते हैं। अब ये तीनों लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लास हमारी लाइफ में, अगर हमारे पास ये तीनों ना हो तो हमें चीनी लेने के लिए जाना पड़ेगा क्लास उत्तर प्रदेश, चाय लेने के लिए असम जाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? यानी कि मुझे आज क्या होता है कि मैं राशन की दुकान पर जाता हूं, 100 सामान एक साथ खरीद के ले आता हूं, मैं डिपार्टमेंट स्टोर में जाता हूं क्लास, सारा का सारा सामान एक ही जगह मुझे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए हैं जो अपना सामान रिटेलर को देते हैं, और आप जाके रिटेलर की शॉप से सारा सामान इकट्ठे ले आते हो, आपको बिल्कुल सामान जो है वो इजिली मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है क्लास मैन्युफैक्चरर से सामान
कंज्यूमर तक पहुंचाने में। कई बार तो क्लास हमें पता भी नहीं होता ब्रांड कौन सा है, हमको सिर्फ दुकान वाले का नाम पता होता है, ये दुकान सामान दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये तीनों नहीं होते तो हमें बहुत परेशानी होती किसी भी सामान को लेने में, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास जाना पड़ता, समझ रहे बात को। तो ये कहीं ना कहीं रीडर हमारे लिए हेल्पफुल भी है और ये कॉस्ट भी कहीं ना कहीं क्लास कवर करता है। ओके चलो, अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तो वो क्लास होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो ही होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरर ने बनाया सीधा आपको बेचा, डायरेक्ट। लेकिन जब ये इनडायरेक्ट होता है इसका मतलब क्या, बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, और अगर बीच में एक पर्सन आता है तो वन लेवल, बीच में दो पर्सन अगर आ जाते हैं तो टू लेवल, और बीच में अगर तीन पर्सन आ जाते हैं तो थ्री लेवल। आगे बात समझ, तो वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल। ओके, तो जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हियर प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली सामान आता है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, यानी कि सेल कैन बी थ्रू इंटरनेट। वो कैसे बेचते हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं क्लास, टेलीशॉपिंग। आपने बहुत सारे टीवी पे ऐड देखे होंगे टेलीब्रांड के, टेलीशॉपिंग के, या आप naptol.com देखते हो, ठीक है, या आप कोई भी टीवी पे ऐड आता है जो डायरेक्टली आपको सामान बोलते हैं कि दो मिनट का समय है अभी अभी फटाफट सामान खरीद लो, या बोलते हैं मैं बहुत मोटा था फिर मैंने ये दवाई ली, या फिर ये बेल्ट लिया सोना स्लिम बेल्ट, मैं बहुत पतला हो गया, वो सारे टीवी चैनल में जो ऐड आता है दैट इज कॉल्ड टेलीशॉपिंग। टेलीशॉपिंग चैनल जो है वो डायरेक्टली अपना सामान आप तक भेजता है, इसलिए वो कहते होंगे कि हमारे बीच में कोई पर्सन नहीं है जिसकी वजह से हमारा सामान आप तक सीधा पहुंचता है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा है, बीच में तीन लोग होंगे तो तीनों अपना अपना मुनाफा कमाएंगे, सामान महंगा मिलेगा आपको, और बीच में अगर एक ही इंसान है तो सामान आपको क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। या फिर वो मेल ऑर्डर आपका ऑनलाइन आप मेल करते हो, ठीक है, या उनका मेल ऑर्डर हाउस होता है, डायरेक्ट सेल्स करते हैं किसी इंसान को भेज के, अपना कोई सेल्समैन को भेज के सेल करते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल, यानी कि मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान आएगा कस्टमर तक। इनडायरेक्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सबसे पहले सामान किसको देगा, रिटेलर को, और रिटेलर किसको पहुंचाएगा, कस्टमर को। तो यानी कि जैसे मान लो गाड़ियां हो गई क्लास, एक्सपेंसिव घड़ी, डायमंड ज्वेलरी, तो ये सब इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे बीच में आएगा क्या, रिटेलर मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देगा, रिटेलर को देगा, और रिटेलर किसको देगा क्लास, लास्ट में कस्टमर को। टू लेवल में क्या होता है, दो लोग, मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर का काफी पैसा होता है, बड़ी बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद के अपने पास रख लेता है, फिर जितने भी रिटेलर होते हैं उसके एरिया वाइज तो उन सबको वो सामान देता है, फिर रिटेलर किसको देते हैं, कंज्यूमर को। तो कहीं ना कहीं क्लास यहाँ पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, होलसेलर और रिटेलर। तो ये टू मिडलमैन आर इन्वॉल्व, द होलसेलर जो है वो परचेस करता है बल्क क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर से, और होलसेलर क्लास फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके रिटेलर को बेचता है। कई बार होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट पॉलिसी यानी कि उधार भी बेचता है। अगर बात करें थ्री लेवल की, पहले आपके सिलेबस में वो करता था कि कौन सा लेवल चूज करें, लाइक सामान अगर बहुत सस्ता है तो कई लोगों के हाथ से जाए, बहुत महंगा है तो मालिक खुद आके देगा, सामान सड़ जाएगा, गल जाएगा जल्दी, तो हम शॉर्टर चैनल यूज करेंगे, लेकिन अब वो सिलेबस से हट गया है तो मैंने करवाया भी नहीं सॉरी, और आपको याद भी नहीं करना है, तो उसकी आप टेंशन तो है मत लो, ठीक है। अच्छा, थ्री लेवल में कौन कौन होते हैं, तीन लोग होंगे, एक क्लास होलसेलर होगा, सॉरी एक मैन्युफैक्चरर देगा किसको, एजेंट को, पहला एजेंट हो गया, दूसरा होलसेलर और तीसरा रिटेलर। अब एजेंट का बेसिकली क्या होता है क्लास, जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना किसी एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे साउथ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, या फिर नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो यानी कि वो पूरा नॉर्थ इंडिया संभालेगा, और उसके बाद वो देगा किसको, होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को। ये कब होता है, जब बाहर देश से कंपनी कोई इंडिया में आती है ना, तो वो इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया वाइज वो एजेंट बना देती है, और वो एजेंट देता है होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। तो इस सिचुएशन में एजेंट का मुनाफा भी ऐड होगा, होलसेलर का भी ऐड होगा, रिटेलर का भी, तो आपको सामान मिलने वाला है वो बहुत महंगा मिलने वाला है इस सिचुएशन, ठीक है। तो जो कंपनी क्लास इन तीनों को यूज करेगी उसका प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि हर लेवल पे हर एक मिडलमैन का प्रॉफिट भी उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आगे समझ में क्लास, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल। अब ये आपको चार पॉइंट याद करने हैं और याद करा के भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, तो वो भी मैंने आपको पूरा याद करा के भेजा, ये भी चार पॉइंट है, याद करा के पूरा का पूरा भेज दूंगा। ओके चलो, हम बात करते हैं कि ऐसा सर ये है क्या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम सामान भेजते हैं, हम बना रहे हैं, हम भेज रहे हैं, उसके बीच का जो पूरा गैप है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान जहां से बन रहा है और सामान जहां पहुंच रहा है, उन दोनों के जो बीच का गैप है उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले दिमाग में कहानी की तरह सोचो, सबसे पहले क्या होगा, आप ऑर्डर दोगे, भाई ये वाला सामान बनाना है, आपने ऑर्डर दे दिया जी ये वाला सामान बनाना है, ये स्पेसिफिकेशन है, इस तरीके से सामान बनाना है, और ध्यान रखना इतने दिन में देना है। क्यों, अगर कस्टमर को सामान लेट दोगे या जो मांगा वो नहीं
दोगे तो इससे कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, मे बी पेमेंट काट ले आपकी, पेमेंट नहीं काटेगा तो कल को रेफरेंस नहीं देगा, कभी भी नहीं बोलेगा कि आपका सामान किसी से नहीं बोलेगा खरीदने के लिए, ना वो खुद खरीदेगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन एम ऑफ मार्केटिंग, बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं क्लास, कस्टमर द किंग पिन, कस्टमर क्लास राजा है। अगर कस्टमर आपकी दुकान में आता है, आपसे 10 चीजें खुलवाता है, नहीं लेता है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है क्लास, उससे नम्रता से अच्छे से प्यार से बात करना है, क्योंकि कस्टमर किंग है। आज नहीं खरीद रहा आप उसको इंसल्ट कर दोगे, भाई तेरे बस की नहीं, चल जा निकल यहां से, तो कल को कभी भी वो आपकी दुकान में नहीं आएगा, और दूसरी बात आपका नाम खराब करेगा, इमेज खराब करेगा। इसलिए ब्रांडेड कंपनी कभी भी कस्टमर से क्वेश्चन नहीं पूछती है क्लास, उनके लिए काम करते हैं हमेशा, अगर वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो सिमिलरली ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप कस्टमर का ऑर्डर लेते हो, सेल्समैन को ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर सेल्समैन देता है कंपनी को, और कंपनी प्रोडक्शन करती है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर, और डिलीवरी कर देती है गुड्स को, और अगर वो टाइम पे डिलीवरी करती है तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी की गुडविल कहीं ना कहीं स्पॉइल हो सकती है अगर गुड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला और उसके टाइम पे नहीं मिला तो। ओके, चलो सेकंड पॉइंट क्लास ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने ऑर्डर ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दूर दराज भेजना है तो सेकंड पॉइंट क्या है क्लासेस के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। सबसे पहला क्या आ गया यहाँ पे, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सीधी सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना ट्रांसपोर्टेशन है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर सामान आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो आप ज्यादा क्वांटिटी बनाओ भी मत, क्योंकि आपको फायदा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन रेल से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है क्लास, रोड से भी हो सकता है, पाइपलाइन से भी हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पानी के जहाज से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कहीं ना कहीं क्लास कॉस्ट में ऐड हो जाता है, आप बात को समझना। अगर सामान यहां से यहां आ रहा है तो खर्चा कुछ और होगा, और यहां से यहां तक आ रहा है तो खर्चा कुछ और होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, सच बताऊं तो, ऐड हो जाता है। समझ रहे बात को? लेकिन सेलर को इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है अगर वो 20 रुपए है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 नहीं आनी चाहिए पर ऑर्डर पे। कहने का मतलब कि अगर मैं कोई 2-4 सामान बना के बेच रहा हूं, मेरे एक दो कस्टमर है मान लो असम में, बोलते हैं सामान दे दो मुझे, तो मुझे एक दो कस्टमर के चक्कर में इतना महंगा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे 20 का मिल रहा है तो भाई वो लोग कितने का दे देंगे, 21 रुपए दे देंगे आपको, भाई 22 रुपए दे देंगे, 25 रुपए दे देंगे, 20 का 70 थोड़ी देंगे वो। तो आपने इस बात को हमेशा कंपेयर करना है कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से बहुत ज्यादा वेरी ना कर जाए, बहुत ज्यादा अलग ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या था बताओ, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर देते हैं यहां पे हम लोग क्या चेक करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आपने ट्रांसपोर्ट करने के बाद आता है वेयर हाउसिंग। सामान जब बनता है ना, जब सामान प्रोड्यूस होता है तो वो तुरंत ही जाके कंजप्शन नहीं हो जाता उसका, कुछ दिन उसको रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में, गोडाउन में, वेयर हाउस बनाकर उस सामान को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अब उसमें भी खर्चा आता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कितना सामान बनाओ ताकि आप उसको आराम से रख सको, वेयर हाउस के अंदर क्लास स्टोर कर सको। व्हेनेवर द प्रोडक्ट इज नॉट सॉरी व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली, देयरफॉर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स। हर कंपनी चाहती है कि अपना फिनिश गुड्स जो स्टोर कर रखें अंटिल दे sold in the market, जब तक कि मार्केट में बिक ना जाए तब तक तो हम उसको रखेंगे ना, तुरंत तो बिकेगा नहीं वो। it is necessary because some goods like crop are seasonal production, कुछ crop ऐसी, कुछ खेती बाड़ी ऐसी होती है जिसका एक सीजन में प्रोडक्शन होता है लेकिन पूरे साल डिमांड होती है, तो पूरे साल तक आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लास पूरे साल प्रोडक्शन होता है लेकिन डिमांड उसकी किसी टाइम होती है, मतलब एसी कूलर पूरे साल बनता है लेकिन वो गर्मी में ही डिमांड होता है, तो एसी कूलर वगैरह जो बन रहा है उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड वेयरहाउस। सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड कम्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, सो फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग वेयरहाउसेस एंड बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट्स बाय व्हिच कंपनी गेट्स एंड ट्राई टू बैलेंस बिटवीन देम। अब मान लो सामान को बनाने में आया 2000 रुपए, खर्चा आ गया स्टोर करने का 5000 रुपए, 3 महीने स्टोर किया 5000 खर्चा आ गया, गर्मी में एसी बेचना था, सर्दियों में स्टोर किया 3 महीने, तो यहाँ पे खर्चा आ गया 7000 का। ग्राहक कभी नहीं खरीदेगा, ध्यान रखना आपका ग्राहक आपको सिर्फ सामान के पैसे देगा, ना कि स्टोर के, ना कि एडवर्टीजमेंट के, और ना कि क्लास वेयर हाउसिंग के, और ना ट्रांसपोर्टेशन के, कभी भी ग्राहक नहीं देगा। आप बोलोगे ना वो गर्मी में रह लेगा लेकिन आपसे सामान नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट टू मच है, तो कभी भी इसके लिए वो पे नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? तो एक प्रोड्यूसर को हमेशा ऐसा करना है कि ये कॉस्ट उसको लगे ना। वो कैसे हो सकता है, मान लो मैंने 2 लाख एसी को स्टोर किया, अब खर्चा मान लो उसका आ गया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, तो यानी कि 2 लाख एसी खर्चा 10 लाख है, तो हर एसी खर्चा कितने रुपए आ गया, 5 रुपए। तो ये इतना कम कॉस्ट होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो ताकि कॉस्ट इतनी कम हो जाए कि सेलर को जो है बायर को देने में प्रॉब्लम ना हो।
समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब क्या, प्रोडक्शन अगर आप एक ही चीज को स्टोर करोगे उसके खर्चे इतने ज्यादा आ जाएगा, तो भैया वो तो सामान का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेयर हाउसिंग का कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्लास ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के कॉस्ट से। क्लास लास्ट है इन्वेंटरी। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर वेयर हाउस में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद इन्वेंटरी मेंटेन होता है। देखो इन्वेंटरी का मतलब क्या है, आपने कभी भी देखा होगा सामान, दुकानदार का दुकान एक छोटा सा होता है, जब सामान मांगते हो काफी सारा तो वो हमेशा जाता है अपने गोडाउन से लेके आता है, तो गोडाउन में उसकी इन्वेंटरी मेंटेन होती है, वो सारा का सारा इन्वेंटरी लाके शोरूम पे नहीं रखता है, वो इन्वेंटरी रखेगा कहाँ पे क्लास, गोडाउन में, गोडाउन से लेकर वो आके आपको बेचेगा। वेयर हाउस से लगा, वेयर हाउस तो बहुत दूर दूर होता है अलग अलग स्टेट में, गोडाउन उसके दुकान के आसपास ही कहीं पे होगा, शोरूम के आसपास कहीं होगा। तो इन्वेंटरी रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, और स्टॉक को मेंटेन करने में खर्चा आता है, उसका इंश्योरेंस होता है, जलने का खतरा रहता है, चोरी का खतरा रहता है, खराब होने का, स्पॉइलेज का खतरा रहता है, कहीं ना कहीं क्लास ये भी खतरा रहता है कल को फैशन चेंज हो जाए और स्टॉक की कीमत घट जाए तो उसका भी खतरा रहता है। तो जब भी आप इन्वेंटरी मेंटेन करो, देखना जो गरीब दुकानदार होते हैं, छोटे ठेले वाले या फिर कोई छोटे-छोटे दुकान वाले होते हैं, तो वो इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करते, वो जितना बनाएंगे उतना बेचेंगे, क्यों, उनको रिस्क नहीं लेना, उन्हें पता है रखेंगे कल को खराब हो जाएगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, सड़ जाएगा, चोरी हो जाएगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा उसका, तो वो लोग तुरंत बना के तुरंत बेचते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं बड़ी कंपनी की बात, तो इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस स्टॉक इट सप्लाई, मतलब तब तक रखे रहते हैं अपने पास इन्वेंटरी जब तक उसकी डिमांड नहीं होती और उसमें खर्चा आता है, तो कंपनी को हमेशा उसका खर्चा और उसका बेनिफिट, इन्वेंटरी को मेंटेन करने का बेनिफिट क्या है और उसका खर्चा क्या है, दोनों को कंपेयर करना, और ध्यान रखना कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा एक्सेस ना हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो ये ध्यान रखना, चार पॉइंट है। सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ठीक है, और दूसरा, फिर पहले आप सोचो दिमाग से क्या दोगे, आप ऑर्डर दोगे, ऑर्डर देने के बाद क्या होगा बताओ जरा, ऑर्डर देने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वेयरहाउस, उसके बाद क्या है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी स्टोरेज एंड इन्वेंटरी, ओके, और कम्युनिकेशन, तो सॉरी ये तो बताई दिया मैंने आपको, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट में कौन होता है क्लास, डायरेक्ट में मैन्युफैक्चरर से कस्टमर, और इनडायरेक्ट में क्लास सिंगल में एक होगा रिटेलर, दूसरे में डबल में या टू में होगा होलसेल रिटेलर, और थ्री में होगा एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक कर देना क्लास, टॉपिक समझ में आया, एक लास्ट टॉपिक वो देख लेना क्लास, और जो 1, 2, 3 पार्ट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्लीज समझ में आया तो मेरी अप्रिसिएशन के लिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज लाइक और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।